मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। बिजनेस में जब भी कभी बात होती है और मेरे पास जो क्लाइंट्स आते रहते हैं, पेशेंट्स आते रहते हैं, बिजनेस में लॉस है ऐसा बोलते हैं उनको, फिर उसमें डिप्रेशन आता है, तो चर्चा निकलती है कि भाई बिजनेस में लॉस कैसा भरपाई करके, मतलब कैसा उसकी कैसी भरपाई करेंगे, उसको कैसा आगे बढ़ाएंगे या बिजनेस कैसा मल्टीप्लाई करेंगे। तो उनको मैं उसमें काउंसलिंग करते करते उनको मैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बताता हूँ। तो आज बात करते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की। आपको बताया कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी नाम का एक किताब प्रिंट हुआ था, छप गया था। काफ़ी सारी 100 इंडस्ट्रीज, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज, 100 कंपनीज और काफ़ी साल रिसर्च करके वो किताब बनाया गया था, लिखा गया था, और उसमें उन्होंने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था। क्या होता है कि ब्लू ओशन इसका मतलब नीले रंग का समुंदर, सागर, और रेड ओशन इसका मतलब लाल रंग का। क्या होता है कि लाल रंग का समुंदर, मतलब उन्होंने ये बताया गया है कि जहाँ बड़े बड़े शार्क रहते हैं, बड़े बड़े मछलियाँ रहती है बड़ी बड़ी, वो क्या करती है वो समुंदर में एक दूसरे से झगड़ा करके, जो भी खाद्य उनको मिल रहा है वो खाद्य के लिए, वो खाने के लिए झगड़ा करके, बहुत खून वहाँ बह जाएगा और झगड़ा करके वो अपना अपना खाद्य मिलाती रहती, तो पूरा वो समुंदर जो है ना, वो हिस्सा समुंदर का पूरा लाल हो जाता है, क्योंकि झगड़ा बहुत होता है, बहुत कंपटीशन होती है, और उसमें अपना अपना शेयर हर व्यक्ति लेने की कोशिश करता है। इससे अच्छा जो ब्लू ओशन है, नीले रंग का समुंदर, वो पूरा खुला है, वहाँ कोई मारामारी, झगड़ा, कंपटीशन कुछ भी नहीं है, और वहाँ जितना आप खा सकते हो उतना खा लो, जितना मजा कर सकते हो उतना मजा करो, जितना बिजनेस कर सकते हो उतना बिजनेस कर लो। आजकल क्या हो रहा है कि हर बिजनेस में मारामारी चालू है, हर बिजनेस में कंपटीशन है, हर बिजनेस में एक दूसरे की टांग खींचना है। उसमें होता क्या है कि अपनी प्रोडक्ट जो है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कम करो और फिर सस्ते में बेचो, या बदमाशी करो, टैक्सेस चुकाओ और प्रोडक्ट सस्ते में बेचो, या सामने वाला जो अपना कॉम्पिटिटर है उसको मारामारी करके उसको कैसा उसकी टांग खींचे जाए और वो कैसा खत्म हो जाए उसके लिए कोशिश करो। तो रेड ओशन स्ट्रेटेजी में बहुत मारामारी है, और उसमें फिर ग्राहक राजा होता है, और ग्राहक के हिसाब से, मतलब कस्टमर के हिसाब से अपने को माल अपना बेचना पड़ता है, क्योंकि ग्राहक के पास में चॉइस है, और हमको कंपटीशन में मारामारी करके एक तो अपनी कीमत डाउन करो, कम कीमत में माल माल बेचो, बदमाशी करो, या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, और फिर उसमें मजा नहीं है, वहां फ्रीडम नहीं। तो इसलिए ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी क्या है हमको देखना पड़ेगा। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी मतलब नए मार्केट में जाना, नए मार्केट में जाना और नए मार्केट में जाके वहां बिजनेस कर। इसका मतलब है अनकन्वेंशनल मार्केट जो है वो उसका वो ढूंढना है, अनकन्वेंशनल मार्केट। क्योंकि क्या होता है कि कुछ मार्केट जो ऐसा है कि जिसमें कस्टमर जो है वो अपना प्रोडक्ट ले नहीं रहे, नंबर एक, कोई कारण हो, प्राइस है, मतलब उसकी कीमतें करके नहीं है, वो लाइक नहीं करते, वो कंपनी को लाइक नहीं करते, उनको जो भी कुछ कारण होंगे अपना प्रोडक्ट लेते नहीं। दूसरा, एक जो कस्टमर है उसका क्लास जो है वो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लेता नहीं, आपकी इंडस्ट्री का, मतलब एक ऐसा सेक्टर है समझो कि बोलता हमको कार होना ही नहीं, हमको हमारा बाइक में चल जाता है, हम पैदल जाएंगे या बाइक से जाएंगे, हमको कार होना ही नहीं है, तो फिर वो भी अपना कस्टमर समझेगा अपनी कार इंडस्ट्री है। तो कार इंडस्ट्री में एक ऐसा कस्टमर है कि जो अपना प्रोडक्ट ले नहीं रहा है और वो अपना कस्टमर है नहीं, उसको देखना ही नहीं है क्योंकि वो कार लेना ही नहीं चाहता। तीसरा जो हिस्सा है वो है कि वो ऐसा नॉन कस्टमर, मतलब ऐसा ढूंढना कि जो नॉन कस्टमर है, जो कस्टमर को मालूम ही नहीं कि अपन कस्टमर है, उनमें जागृति करना, और वो जागृति करके उनको उनकी क्या नीड है, वो नीड बेस्ड प्रोडक्ट देके उसमें कुछ इनोवेशंस करके उसको वो प्रोडक्ट देना। तो वो जब हम करते हैं उसमें कुछ भी इनोवेशन करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट देना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट है उसमें उसकी कीमत घटा के उसमें कुछ तो भी नया, न्यू, बेटर, डिफरेंट कर रहे हैं और वो दे रहे हैं, और वो कस्टमर को हम माल बेच रहे हैं कि जो कस्टमर को मालूम ही नहीं है कि वो उनका उनकी नीड है, उनको मालूम ही नहीं था कि उनकी गरज है, और उनको अपन बेच रहे हैं। इसका आपने एग्जाम्पल एक देना है मुझे, तो एक ओयो का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। अभी ओयो ने क्या किया,
उन्होंने ऐसा किया कि काफी सारे होटल्स जो है वो होटल्स मतलब पूरी ऑक्यूपेंसी नहीं रहती थी, 50-60% ऑक्यूपेंसी रह रही है, कम ऑक्यूपेंसी है करके वो होटल्स में उनकी कीमत उनको हाई रखना पड़ता था, ज्यादा रखना पड़ता था। कीमत ज्यादा रखना पड़ता है, लोगों को फिर पुरता नहीं। मतलब एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा मार्केट, ऐसा एक कस्टमर था कि जो कस्टमर को अच्छे होटल में रहना चाहिए था वो पसंद करता था, मगर उसकी कीमत उसको नहीं पुरती थी। ओयो ने क्या किया, ओयो ने वो जो नॉन कस्टमर थे कि जिनको होटल में तो रहना है, अच्छे होटल में रहना है, मतलब कीमत कम में और अच्छे में रहना है, ये जरूरत थी कस्टमर की। और उधर बेचवाल कौन था, उधर बेचवाल था वो होटल्स कि जिनकी ऑक्यूपेंसी 50-60% है, 70% है या 40% है, इसलिए उनको काम, उनके जो दाम है वो ज़्यादा रखने पड़ते हैं, उनको ज़रूरत है कस्टमर की, इनको ज़रूरत है होटल की, अच्छे होटल की, उनका उनकी है जो वो उनका बराबर कोऑर्डिनेशन कर दिया। होटल वालों को ये बोला कि हम आपको होटल भरवा के देंगे, आप अपनी कॉस्ट कम करवाओ। वो कॉस्ट कम करने में जैसा कुछ कुछ जो होटल में नहीं चाहिए, मतलब समझो आप जाते हैं टैक्सी से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं वो होटल में, तो दरवान है वो दरवाज़ा खोल रहा है, या आपकी बैग उठाने के लिए ऑटो तक टैक्सी तक आ रहा है, वो आपकी बैग उठा के लेके जा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं थी कुछ लोगों को, उनकी कोई उनकी आवश्यकता है, उनको अपने बैग उठा के लिया, मगर उसकी कीमत कौन देगा, तो वो उन्होंने कट डाउन कर दिया। कोई बेड्स जो है, या मतलब ऐसा जो भी कोई ऐसे लग्जरी आइटम थे कि जो लग्जूरियस आइटम्स, वो कम करके उसकी कॉस्ट घटा दिया। इधर लोगों को कम सस्त मतलब कम दाम में होटल मिल रहा है, जिनको वो होटल में जा ही सकते नहीं थे, अच्छे होटल में मतलब समझो 2 स्टार है, 3 स्टार है, होटल में वो जा सकते नहीं थे क्योंकि कीमत उनको मतलब पूर्ति नहीं थी। अभी वो जो नॉन कस्टमर था, वो नॉन कस्टमर को ये उन्होंने कस्टमर बना दिया, ये होटल इंडस्ट्री का, जिसमें वो कभी आते नहीं थे। वो जाते थे 300-400-500 के होटल में, उनको पता है कि आपको 600-700 में, 800 में होटल मिल जाएगी। जिस दिन स्लैग है, जिस दिन बहुत ही मतलब ऑक्यूपेंसी कम है, उस दिन और रेट घटा देंगे। जिस दिन बहुत कंपटीशन है, उस दिन रेट बढ़ा देंगे, सब कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम्स, उसमें वो उन्होंने कर दिया। और होटल को भी अभी ऐसा हो गया कि होटल पे पूरे भर रहे हैं, उनको पूरी ऑक्यूपेंसी मिल रही है, और लोगों को 800-900-1000 ये रेंज में अच्छे होटल मिल रहे हैं लोगों को रहने के लिए। मतलब जो नॉन कस्टमर था, इन्होंने क्या किया, ओयो ने एक इनोवेशन कर दी, उनको खुद को होटल लगाने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा बच गया। ओयो का एक भी होटल नहीं है, ओयो ने सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे, जो देने वाला है जो लेने वाला है उनका कोऑर्डिनेशन कर दिया, खुद का एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इंडस्ट्री ओयो की चल रही है, होटल की इंडस्ट्री भी चल रही है, लोगों को भी फायदा हो रहा है। तो ये जो है, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है कि कंप्लीटली नया करना, कंप्लीटली डिफरेंट करना, कंप्लीटली न्यू करना। तो इसमें होता क्या है, ये जब आप ब्लू ओशन में जाते हैं, ये ब्लू ओशन है, मतलब फाइंडिंग आउट नॉन कंज्यूमर, नॉन कस्टमर, नए कस्टमर, जो कस्टमर को मालूम ही नहीं कि अपन ये होटल में जा सकते थे, बड़े होटल में, अच्छे होटल में जा सकते थे, वो कस्टमर को मतलब मालूम नहीं था कि अपन कस्टमर है वो होटल के, होटल को मालूम था कि अपने कस्टमर है, जो कस्टमर जाते नहीं थे होटल की तरफ, उनको होटल की तरफ डायरेक्ट कर दिया, और इनका बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है ओयो का, और दुनिया भर में ओयो काम कर रहा है। वैसे सेम उबेर का है, इसमें होता क्या है कि उबेर का खुद का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उबेर की खुद की एक भी टैक्सी नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं है, टैक्सी खरीदो, लोन लो, फिर टैक्सी का मेंटेनेंस करो, टैक्सी मतलब गाड़ियां कार्स लगाने के लिए जगह ले लो, फिर तनख्वाह ड्राइवर लोगों को करो, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ड्राइवर लोगों को बिजनेसमैन बना दिया। जो लोगों को टैक्सी पूर्ती नहीं थी, वो लोगों को टैक्सी इजीली अवेलेबल हो गई, तो टैक्सी लोगों को जल्दी मिलती नहीं थी, इजीली अवेलेबल हो गई, ऑनलाइन टैक्सी मंगाओ, इजी अवेलेबिलिटी है। बाकी जो टैक्सी जो आड़े टेढ़े भाव रहते लेते थे, उनसे कम दाम में एक स्टैंडर्डाइज रेट कर दिए, इजी अवेलेबिलिटी है। तो जो टैक्सी वाले आराम से बैठते थे, धंधा नहीं है या कस्टमर नहीं है, बड़े मुश्किल से 3,000-4,000-5,000 धंधा कर रहे, वही टैक्सी वाले अभी 8-10 हज़ार का, 7,000 का, 10,000 का, 15,000 का, मतलब ये रेंज में धंधा करते हैं। जो कस्टमर को 1,000 रुपये पड़ते थे समझो एक जगह जाने के लिए, वो कस्टमर को अभी 700 में काम हो रहा है, 600 में काम हो रहा है, और वो वहाँ जा रहा है। फंसाने का कोई कार्यक्रम नहीं, चीटिंग नहीं है, क्योंकि चीटिंग का उसको डर रहता नहीं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है सब, उसमें चीटिंग का डर नहीं है। तो दोनों की नीड, मतलब जो टैक्सी का कस्टमर ही नहीं था, जो बस से या रेलवे से जाता था मगर थोड़ा ज़्यादा पैसा देने को तैयार था, वो कस्टमर को टैक्सी में कन्वर्ट कर लिया। जो नॉन कस्टमर था उसको कस्टमर के इसमें ला लिया। तो बेसिकली ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ये है, नंबर 1, कि उसमें नया
डिफरेंट और बेटर करना, न्यू बेटर एंड डिफरेंट, कॉस्टिंग जो है वो कम करना, क्वालिटी अच्छी देना, जो क्वालिटी, क्योंकि होता क्या है कि जहां क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, वहां दाम भी बढ़ जाते, तो फिर वो भी पूरता नहीं लोगों को, तो दाम भी कम क्वालिटी भी अच्छी है। जो क्लास टैक्सी में जाता नहीं था, जो क्लास वो होटल में जाता ही नहीं था, वो टारगेट किया, कौन सा, अपर मिडिल, मिडिल मिडिल एंड लोअर मिडिल, ये जो क्लास है। हाई क्लास जो जाता था वो 3-star 5-star होटल में या 4-star होटल में जाता था, वो हाई क्लास के बदले अभी मिडिल 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 एंड लोअर मिडिल, ये क्लास भी अभी अच्छे होटल में जाने, मतलब जा रहा है अभी और वहाँ उसको पुरता है। जो क्लास जो था मिडिल क्लास कि जो कभी टैक्सी में जाता नहीं था, बस और रेलवे में जाता था, वो लोगों को अभी टैक्सी मिल रही है और इजी अवेलेबिलिटी है, चीटिंग नहीं है, तो वो उनको मिल रहा है। तो ये टोटली नया मार्केट है, तो आपको आपका बिजनेस एक अलग लेवल पे जाने का, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं नया क्या कर सकता हूँ। नॉन कस्टमर जो है वो कहाँ से ढूंढ के निकाल सकता हूँ, नॉन कस्टमर जो कस्टमर है ही नहीं, मालूम ही नहीं कि अपन कस्टमर है, या जो कस्टमर टारगेट नहीं हो रहे वहां कैसा मैं टारगेट कर सकता हूँ उनको, नॉन कस्टमर लोगों को अच्छा और कम दाम में कैसा दे सकता हूँ। क्योंकि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में यू आर दी ओनली वन, यू आर दी नंबर वन, आप अकेले रहते हो एंड यू आर द फर्स्ट वन, आप फर्स्ट वन हो, नंबर वन हो एंड ओनली वन हो। होता क्या है उसमें, बाकी बाद में लोग आएंगे, बाकी काफी लोग आएंगे, बाकी फिर वहीं ब्लू ओशन, फिर कुछ समय के बाद में रेड ओशन बन जाएगा। तब तक आपको यह सोचना है कि अभी ब्लू ओशन नया कौन सा चालू करना है। मगर आप यदि पहले रहते हो ब्लू ओशन में, तो आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बाकी लोग जो आएंगे पीछे से वो डुप्लीकेट आपकी कॉपी मारेंगे, डुप्लीकेट करेंगे आप जो कर रहे हो, उनको करने दो, मगर आपका नाम हमेशा टॉप पे रहेगा। हो सकता है कि कुछ समय बाद वहां भी मारामारी हो जाएंगी, वो भी रेड ओशन हो जाएगा, फिर आपको नया ब्लू ओशन ढूंढना पड़ेगा। तो यह है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में आपको यही देखना है कि न्यू बेटर डिफरेंट, नया इन्वेंशन, बेटर बेटर थिंग्स, लो कॉस्ट, क्वालिटी अच्छी, और जो कस्टमर नहीं है वो कस्टमर के पास, वो कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। यदि आप करते हैं तो आप आराम से आपका धंधा 10 गुना ज़्यादा एक साल में बढ़ा सकते हैं। आपके सामने उबेर का, ओला का एग्जाम्पल है, ओयो का एग्जाम्पल है, जोमेटो का एग्जाम्पल है, कई कई इन्होंने किसने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रुपये भी डाला नहीं है और सब काम फटाफट करे। अभी उबेर का तो है कि अभी उबेर शेयर टैक्सी है, तो उबेर शेयर टैक्सी में होता क्या है कि दाम अभी और कम हो जाते, फिर शेयर टैक्सी में तो लोग टैक्सी में जा रहे हो और कम दाम में जा रहे हैं। तो ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका धंधा एक अलग लेवल पर जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।